आज हम आपको बताएंगे कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आतंकवाद के भीषण दुश्मन क्यों हैं। आखिर क्यों बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के आतंकवादियों से सूद समेत बदला लेने की बात कही थी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू आतंकवाद से बदले की किस आग में जल रहे हैं। आज आप ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों मिलिटेंसी से नेतन्याहू का खून खौल उठता है। ये दौर था तीसरे इसराइल अरब युद्ध का। साल था 1967, महीना था जून का। 5 जून से 10 जून 1967 में हुई इस जंग में इसराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया की फौजों को मात दे दी थी। बेंजामिन नेतन्याहू उन दिनों ग्रेजुएशन कर रहे थे और अपने मुल्क पर हुए मुस्लिम देशों का अटैक उन्हें भीतर से साल रहा था। ग्रेजुएशन खत्म होने ही वाला था। जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, युद्ध के 6 दिनों बाद बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल लौटे। उन्होंने IDF ज्वाइन की। अगले साल तक नेतन्याहू स्पेशल फोर्स की टीम लीडर बन चुके थे। 1973 तक उन्होंने अपने देश के कई लड़ाइयां लड़ी और जीती भी। वो जानते थे कि मिलिट्री पावर के साथ ही जो देश तकनीकी दक्षता में टॉप होगा, भविष्य उसी देश का है। लिहाजा वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हायर स्टडीज करने मैसाचुसेट्स चले गए। असल कहानी शुरू होती है अब। नेतन्याहू का देश मुस्लिम देशों को एक के बाद एक कई बार लगातार सबक सिखा चुका था। उसके दुश्मन पस्त थे। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने इसराइल के हाथ पांव फुला दिए। तारीख 27 जून 1976, जगह तेल अवीव का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वक्त रात करीब 11 बजे। फ्रांस की एयरबस A300V4203 ने इसराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 246 यात्रियों के अलावा क्रू के 12 सदस्य सवार थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ वक्त बाद ये लोग बंधक बनने वाले थे। लगभग 1.5 घंटे के बाद ये फ्लाइट एथेंस पहुंची, जहां से इस प्लेन में 58 यात्रियों के साथ 4 आतंकवादी भी सवार हो गए। इनमें से 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी से जुड़े थे, जबकि 2 जर्मनी के रेवोल्यूशनरी ब्रिगेड से ताल्लुक रखते थे। इन्हें आतंकवादियों को इस प्लेन का अपहरण करना था। एथेंस से इस फ्लाइट में जैसे ही फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए उड़ान भरी, इन आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। शुरुआत में आतंकी इस प्लेन को लीबिया के शहर बेनगाजी लेकर गए, जहां हाईजैकर्स की मांग पर प्लेन में फ्यूल भरा गया। आतंकी चाहते थे कि इसराइल को ब्लैकमेल करने के लिए इस प्लेन को ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां तक इसराइल की मिसाइल पहुंच ही न पाए और इसराइल को हाईजैकर्स की मांगों के आगे सरेंडर करना पड़े। लिहाजा हाईजैकर्स प्लेन को सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, बहरीन, सऊदी अरब, सूडान, लीबिया, एरिस्ट्रिया, यमन और इथोपिया नहीं ले गए, क्योंकि ये देश इसराइल के दुश्मन तो थे। यहां पर हाईजैकर्स को पनाह भी मिल जाती, लेकिन उन्होंने चुना युगांडा के एंतेबे हवाई अड्डे को। यहाँ पर उन दिनों सैनिक तानाशाह इदी अमीन की हुकूमत थी। अमीन ने किडनैपर्स की मदद की और बंधकों की निगरानी के लिए अपनी सेना तक मुहैया करा दी। हवाई जहाज एंतेबे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जिसमें सवार इसराइल यात्रियों के अलावा बाकी देशों के नागरिकों को रिहा कर दिया गया, क्योंकि किडनैपर्स नहीं चाहते थे कि किसी और देश से वो दुश्मनी मोल ले और इसराइली लोगों को एयरपोर्ट के पास बने एक टर्मिनल में कैद कर दिया गया। इधर इसराइल में विमान अपहरण की खबर ने खलबली मचा दी। आनन-फानन में इसराइली सरकार ने सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के साथ मीटिंग बुलाई। इस दौरान फैसला लिया गया कि पहले आतंकियों की मांगों को सुना जाएगा, जिसके बाद इस पर कोई फैसला होगा कि आखिर करना क्या है। आतंकी इसराइल से करीब 4000 किलोमीटर दूर युगांडा में बैठे थे। इस बात से बिल्कुल आश्वस्त कि 4000 किलोमीटर दूर आना, फिर यहां से वापस लौटना, यानी 8000 किलोमीटर दूर इसराइल कोई कमांडो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। अगर इसराइल ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो वो बीच में पड़ने वाले मुल्कों के रडार सिस्टम की पकड़ में आ जाएगा। और तो और हाईजैकर्स इस बात से भी आश्वस्त थे कि इतनी दूर तो इसराइल मिसाइलों से अटैक भी नहीं कर सकता। लिहाजा हाईजैकर्स ने इसराइल से अपनी मांगें रखी। मांगें थी कि जेलों में बंद उनके सैकड़ों साथी छोड़े जाए, विदेशों में बंद अपने दूसरे साथियों की रिहाई की भी मांग की थी, $5 मिलियन की फिरौती। आतंकी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे, लिहाजा उन्होंने इसराइल को मांगे पूरी करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दे दी, जिसके बाद इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक चाल चली। हाईजैकर्स से कहा गया कि विदेशों में कैद उनके साथियों को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, तमाम अन्य देशों से बातचीत में वक्त लग रहा है, लिहाजा होस्टेज को कुछ न किया जाए। हाईजैकर्स की सभी मांगें पूरी की जाएंगी, बस उन्हें 4 जुलाई तक की मोहलत दे दी जाए। हाईजैकर्स को यकीन हो गया कि इसराइल ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, वो निश्चिंत थे। लिहाजा 30 जून को उन्होंने बूढ़े और बीमार 48 यात्रियों को रिहा करते हुए स्पेशल फ्लाइट से पेरिस भेज दिया। अब एंतेबे हवाई अड्डे पर 94 इसराइली यात्रियों के साथ 116 बंधक हाईजैकर्स के कब्जे में थे। हर गुजरता पल इसराइली यात्रियों की जान पर भारी पड़ता जा रहा था। इसराइल अपने किसी भी नागरिक को खोना नहीं चाहता था।
मोसाद ने हाईजैकर्स के कब्जे से छूटे गैर इजरायली नागरिकों से हवाई अड्डे के बारे में, हाईजैकर्स की तादाद के बारे में, इजरायली लोगों को बंधक बनाकर रखी गई जगह के बारे में और सिक्योरिटी वगैरह के बारे में तमाम जानकारियां हासिल कर ली थी। एक और अच्छी बात यह थी कि एंतवे हवाई अड्डे को एक इजरायली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ही बनाया था, लिहाजा मोसाद ने एंतवे हवाई अड्डे का पूरा मैप हासिल कर लिया। अब मोसाद के पास हर वो जरूरी जानकारी थी जो इसराइल के बंदूकों को छुड़ाने के लिए उसे चाहिए थी। 3 जुलाई को ही इसराइल से 100 कमांडो की टीम ने C-130 सुपर हरकुलस विमानों से युगांडा के एंतवे के लिए उड़ान भरी। इन विमानों के साथ 2 बोइंग 707 विमान भी थे, जिसमें से एक में मेडिकल टीम थी जबकि दूसरे खाली विमान में बंधक यात्रियों को मुक्त कराकर वापस लाया जाना था। इन विमानों में उन्होंने काले मर्सिडीज कारों के एक दस्ते को भी लोड किया था। उस समय युगांडा का तानाशाह इदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज कारों से चलता था, इसलिए आतंकियों और युगांडा की सेना को भ्रम में डालने के लिए इसराइल ने ये चाल चली। इसराइल के 5 हवाई जहाज समुद्र तल से महज 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे, लिहाजा इन्हें किसी मुल्क का रडार भी पकड़ नहीं पाया। हालांकि इतनी कम ऊंचाई पर उड़ना बेहद खतरनाक था, लेकिन अपने देशवासियों के लिए उन्होंने ये खतरा भी मोल लिया। इसराइल ने युगांडा पहुंचने से पहले ही 5 विमानों में हवा में ही रिफ्यूलिंग भी करा ली ताकि ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त फ्यूल की अड़चन न आने पाए। किसी और देश में उतरकर फ्यूल भराने से उनके ऑपरेशन के लीक होने का भी खतरा था। मोसाद के प्लान के मुताबिक इजरायली कमांडो का दस्ता जिन प्लेन्स में एंतवे एयरपोर्ट की ओर पड़ रहा था, उन प्लेन्स को युगांडा के प्लेन्स जैसा लुक दिया गया ताकि आतंकियों और एयरपोर्ट के स्टाफ को लगे कि वो प्लेन्स उनके ही देश के हैं। जैसे ये विमान रात को एंतवे हवाई अड्डे पर उतरे, काले मर्सिडीज कारों का काफिला तेजी से टर्मिनल बिल्डिंग की ओर बढ़ चला। लेकिन इसराइल की फोर्स को यह पता नहीं था कि इदी अमीन उस समय युगांडा में नहीं था और कुछ वक्त पहले ही अमीन ने काले रंग की अपनी मर्सिडीज की जगह सफेद मर्सिडीज में सवारी शुरू कर दी थी। शक होने पर एयरपोर्ट पर तैनात युगांडा आर्मी के जवानों ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन दूर से पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्नाइपर्स ने साइलेंसर लगी बंदूकों से उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। इसके बाद बेहद तेजी से कमांडोज बिल्डिंग में पहुंचे जहां इजरायली बंदूकों को रखा गया था। उन्होंने हिब्रू भाषा में चिल्लाकर कहा कि सब लेट जाओ। हिब्रू नहीं समझने वाले गैर इजरायलियों को कमांडोज ने मौत की घाट उतार दिया। इस कार्रवाई में सभी 7 अपहरणकर्ता और युगांडा सेना के लगभग 50 जवान भी मारे गए, जबकि इसराइल के 3 बंदूकों की मौत हुई। लौटते वक्त इसराइली कमांडो ने एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के सभी फाइटर प्लेन को बम से उड़ा दिया ताकि उनका पीछा न किया जा सके। इस ऑपरेशन के दौरान इसराइली यूनिट के कमांडर और वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनाथन नेतन्याहू शहीद हो गए। दरअसल टीम का कमांडर होने के नाते योनाथन नेतन्याहू यानी कि योनी पूरे ऑपरेशन में सबसे बाद में अपने प्लेन पर सवार हुए। इसी दौरान दुश्मन ने उन पर गोली चला दी। गंभीर हालत में मेडिकल एड मिलने के बावजूद योनाथन नेतन्याहू को बचाया नहीं जा सका। योनाथन को मरणोपरांत IDF में विशेष वीरता सम्मान के तौर पर दिया जाने वाला 3रा सबसे बड़ा सम्मान मिला। बड़े भाई की मौत के बाद 1978 में वतन वापसी पर बेंजामिन नेतन्याहू ने शपथ ली कि वो आतंकवाद का समूल नाश करके रहेंगे। उन्होंने अपने भाई के नाम पर ही योनाथन नेतन्याहू आतंकवाद निरोधक संस्थान की नींव रखी। आतंकियों के हाथों अपनों को खोने का गम बेंजामिन नेतन्याहू के दिल पर आज भी बोझ की तरह है। यही वजह है कि आतंकवादियों के खिलाफ उनकी एक ही पॉलिसी है, वो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की। लगभग एक ही कालखंड में जन्मे इसराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को अपने वजूद में आने के बाद से अब तक अनगिनत इम्तिहानों से गुजरना पड़ा है। इसराइल को चाहे मिस्र, जॉर्डन, फिलिस्तीन और सीरिया जैसे मुस्लिम देशों से घिरे रहने के बावजूद अपना वजूद बचाए रखना हो या फिर 150 करोड़ मुसलमानों वाले देशों में मिडिल ईस्ट के देशों की फौजों से 6 बार हुई सीधी जंगों में उन्हें शिकस्त देना, चाहे बात आतंकवाद के खिलाफ जंग की हो या फिर वतन पर मर मिटने के जज्बे की, इसराइल और बेंजामिन नेतन्याहू ने हर बार अपना लोहा मनवाया। आमने सामने के युद्ध में जीतना तो जंग जीतने की आपकी उत्कंठा का स्पष्ट प्रमाण है, लेकिन छद्म युद्धों में दुश्मन को छठी का दूध याद दिला देना बेंजामिन नेतन्याहू के युद्ध कौशल की पराकाष्ठा ही कही जाती है, जो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का साथ मिलने पर इसराइल को अजय बनाती है।